खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम पंजाब रंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो साडे नाल साडा शो पंजाब रंग। पंजाब रंग दे बहुत ही खूबसूरत रंग ने, पंज धरतियां दे पंज रंग ने। यकीन करो कि इतना खूबसूरत इस प्रोग्राम का नाम है, उतना ही खूबसूरत प्रोग्राम है। मैं तुहाडे नाल तुहाडी होस्ट मैविश बलोच हाजिर हाँ। तुसी सुन रहे हो साडे नाल, बहुत सारे मेहमानां नूं वेखदे हो, आंदे हो जांदे हो, वो भी आते ने जाते ने, अपनी गल्लां करते ने, दसते ने कि कितों आए ने, की कर रहे ने। अज ये प्रोग्राम असी लैके आए हैं तुहाडे वास्ते, और तुसी इसनू वेख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि इस हर तरह के लोग आके अपने फन का मुजाहरा भी करेंगे, गलबात भी करेंगे, अपनी जिंदगी के मुताबिक भी अपने हालात नू भी डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने सर लियाकत खान साहब, तो नाल उन्होंने शागिर्द ने, तो उन्होंने बच्चे भी ने, और बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों नाल, अपने जिथे उन्होंने अपने फन नाल मुहब्बत है, उतनी मुहब्बत उन्होंने अपने शागिर्दा नाल भी है, अपने बच्चों नाल भी है। तो तुसी वेख रहे हो कि पंजाब दा जिथे इतना खूबसूरत अजकल मौसम चल रहा है, सर्दी आ गई है, नवंबर चल रहा है, तो रातां तवील हो गई ने, दिन मुख्तसर हो गए ने, तो कभी कभी दिल बड़ा उदास हो जाता है, तो कभी कभी दिल आपे खुश हो जाता है। तो दिलों की उदासी नू दूर करन वास्ते इंसान हमेशा मौसीकी का सहारा लैंदा है, उदा दिल खुश करन वास्ते भी, तो दिल नू उठाण वास्ते भी तुसी मौसीकी सुनते हो, क्योंकि उसके अंदर वो लय विन ओ लय है, वो जादू ने अल्फाजा के अंदर जिहड़े तुहाडे कन्नां दे अंदर रस घोलदी है, तुहाडे दिल नू मुतमइन कर दी है। तो अज असी तुहाडे नाल मिलांदे हां खान लियाकत साहब नू, तुसी वेख रहे हो जी। खान लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है तुहाडा, ठीक ठाक हो? शुक्रिया अदा करता हूं इस चैनल का कि मुझे इस चैनल पे आपने बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया गया, तो मुझे सुनना भी चाहते हैं। जी जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, तुहानू बहुत सारा वेलकम कहंदे आ जी, आया नू खुश आमदीद, तुसी आए हो, बहुत चंगा लग रहा है सर प्रोग्राम दे, ये समझो पंजाब रंग दे भी रंग दो बाला हो गए ने, एक भी नहीं पंच पंच रंग जाग गए ने, क्योंकि सुर दे बड़े रंग होंदे ने जी। सर तुसी अपने फन का जिहड़ा आगाज़ किया है लियाकत साहब, इस दे बारे थोड़ा सारा साडे सुनन वालेयां नू दसो कि किस तरह तुसी इस फील्ड नू अपनाया, किस खुश किस वजह तो तुसी जिहड़ा इस गायकी नू लैके अगे चले हो, इहदे की वजूहात ने? इहदे च मैं गल करना चाहना कि इस सानू खानदानी मर्ज है गान दी, कुछ साढ़े असी ना कोई मरासी तो ना असी खान साहब लोग हाँ, असी अताई लोग हाँ, तो असी इन प्यार करते इस वास्ते हाँ कि मेरे चाचा जी खान साहब वाले अली खान बहुत शगन सन क्लासिकल, उस तो बाद मेरे भाई संधन तालब साहब वो भी बहुत सा क्लासिकल नीम क्लासिकल गाते सन, तो मैं कोल बैठ जाना तो मैनू इंज लगना कि यार की तू यार आ करता रहना यार की है। अच्छा उन्होंने डैथ होने बाद मैनू यह मर्द लग गई सही, तो मैं देखा कि दुनिया के बीच कि उस्ताद ऐसा है कि जोड़ा मैनू सीधा कर लेगा, सब तो पहले तालवंडी कराना एक ऐसा है सही, सही। तालवंडी कराना जी जी, खालसा मेहर खान उन्होंने मैं अपना उस्ताद मनिया, तो फैलिया जी साहब का मैं गंडा बन शिगिरदा, उस्ताद फतेह अली खान हैदराबाद वाले ग्वालियर घराने उन्होंने क्लासिकल का, और यकीन करो उस्ताद तो बड़ी बड़ी दूर चले गए ने, जिहड़ा उस्ताद कोल होंदा ना वो ही कुछ दसदा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो है जी, जी जी बिल्कुल लियाकत साहब सही गल कर रहे हो। मैं हैदराबाद उन्होंने को सीखन जाना सी है जी, उन्होंने दुआ बरकत नाल लाहौर के बीच आल पाकिस्तान कानफ्रेंस हुई है, तो मैनू बुलाया गया, मैं कानफ्रेंस भी गा के आया, तो कज़ाफी स्टेडियम के बीच भी मेरे दो आइटम हुए हैं। असल कि मैं हूँ कुछ थोड़ा जहा थोड़े सामने आया वहाँ, तो कुछ मैं इस चैनल वाले ने बड़ी मेरे से मेहरबानी की कि थोड़े तक पहुँचाया है, तो फन तो एक ऐसा है ये आते ही नहीं है, सही जिन्होंने आया उन्होंने भी कहा कि अभी सीखते पे
सही। क्लासिकल एक ऐसी चीज है, असल बुनियाद क्लासिकल है, जिदे भी तुसी क्लासिकल सीखोगे तो आपको सुख हो जाएगा गाने वास्ते। पंजाबी गा लो, गीत गा लो, सुरैकी गा लो, है जी जे पॉप वाले ने इन्हों गा लो, क्लासिकल सीखे हो तो बहुत जल्दी आएगा। सही सही। लियाकत साहब गल करन दा मकसद ये कि तुसी जड़ा है एक गल ये दसो कि ज़्यादा तुसी जड़ा सीखा है क्लासिकल सीखिया है, पॉप सीखिया है, या आम जिस तरह लोग गाते ने गीत संगीत उस तरह के गाने गाए ने, या फिर तुसी बहुत शौक करते हो कि भाई लोगों को कॉपी करो, या तुसी अपने भी गाने गाते हो? नाले ये भी दसो कि तुहाडा जड़ा रुझान है या तुहाडी इत्थे जरिया माश है, क्या ये तुहाडा फन है? देखो जी, कोई बुला ले तो असी चले जाने हैं, तो ऐसा फंक्शन असी नहीं करते कि जिदे विच कि लोग सानू पसंद ना करन। असी उत्थे जाने कि जिहड़ी साडे सुनने वाले लोग ने जिहड़े सानू प्यार करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ने कि मेरे सुरगो दे विच काफ़ी सारे शागिर्द भी ने, शागिर्दां भी, और यकीन करो कि मैं इन्हों खिदमत करदा कोई अज 30-35 साल हो गए हैं। हूँ आन के मैं पता चलिया कि इस मीडिया की वजह तो पूरी दुनिया के खान साहब तेरी आवाज़ फैल सकती, तू जा सकना है। मैनू मसलन काम करने वाले लोग प्यार करते हैं, मसलन सलामत अली खान, मेहंदी साहब, गुलाम अली साहब, है जी उस्ताद फतेह अली खान साहब, ये जितने भी हैं बड़े लोग गाने वाले, ये मुझसे प्यार करते हैं भाई, तो उनसे मैं दुआ भी लेता हूँ। तो ये ही मैंने सीखा है बस। माशाल्लाह बड़ी सोहनी गल कीती तुसी। गल इत्थे शुरू होंदी है सामेईन सुनन वाले ओ गल एवे कि इन्हां दे नाल जिहड़े बैठे हुए एक घरेलू बच्चे ने, इन्हां नूं इन्हां ने सिखाया है, बहुत ही प्यारी बच्ची ने, इन्हां दा नाम उजमा है और ये सरगोदा शहर तो ही ताल्लुक रखते हैं, तो अपने उस्ताद नाल आए हुए ने, और सर खान साहब लियाकत साहब जिथे अपने कलाम सुनाणगे सन उत्थे उजमा जी जिहड़ा सिखिया ने वह भी सानू दसन कि बई उन्हां के सिखिया है, के वह गाँदे पैन, अज दे दौर दे मुताबिक उन्हां दे रोल मॉडल कौन कौन हैं, कि किन्हां नूं फॉलो करते पैन, तो इंशाल्लाह ताला। ते जी खान साहब, सबसे पहले तो मेरे उस्ताद रियाज जाफरी साहब हैं, उनकी एक पंजाबी की सताई जो मेरी पाकिस्तान में लोग गा रहे हैं, सताई तरह जी, तो जी वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नागिन जैसा कोई स्टेप होना चाहिए, वो की आवाज आ रही है ना? ठीक है सर, माशाल्लाह सर। ओ राजी रे Thank you.
ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਣੀ वाह कमाल कर दिता सर जी, इतनी सोहनी आवाज़ थोड़ी हंज जिमें रेगिस्तान कलांचियाँ मारदा होया हिरन नसदा है ना सर, हंज आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत सोहनी आवाज़ है सर, बहुत सोहना तुसी गीत भी गाया एक रांझा ते एक राजी लगे, और मैं तो लगता पे राणी मैं ही सा, राजे का तो मैं पता ही नहीं चल रहा है कितने चला गया। अच्छा सर मैं ये दसो जे जितना खूबसूरत थोड़ी आवाज़ है लय है तो इतनी ही सोहनी आवाज़ तुसी ट्रांसफर की है अपने शागिरदाएं च, या कुछ हुनर अपने को लुका के रख लिया देने ना, बिल्ली शेर की खाला आँदी है तो शे दरख्त ते चढ़ना नहीं सिखाया कभी शेर उन्हें, तो इस तरह का तो कोई मामला नहीं ना थोड़े साथ जिंदगी। देखो जी मेरे को जिन्ना भी ला लं तो मैं खुशी है कि मेरे शागिर्द बच्चे अगे गान बजान तो मैं सारा क्रेडिट मिल ही जाएगा, लेकिन कोई दा ऐसा होंगे कि जरा उस्ताद अपने कोल रखदा। हुण मैं रेडियो दे ना बच्चा काफ़ी अरसे बाद आया रेडियो दे, ते इहने मेरे नाल कोई दा टप्पा खेडिया उत्थे ते मैं भी फिर खेडिया, ते इह बड़ा खुश होया कि उस्ताद री जे पुले री दा टप्पा जानदे ने। सही सही माशाल्लाह। मैं ना इक ऐसी चीज़ हैगी एक क्लासिकल जी जी ओह मैं जरा सुनानी जरूरी है मेरे वास्ते, ते ओह तुहाडी इजाजत होए ते मैं जी बिल्कुल एक सुर ते लाओ सर क्लासिक दा, बस मैं रोना रोना दिल कोई नहीं सर जी, खुश होने दा दिल। सुर से
प्यार करियो मन एक तला सुर से प्यार करियो मन सुर से प्यार सुरे के संग न करियो से प्यार करियो सुर से प्यार करियो सुर से प्यार करियो मनवा सुर से प्यार करियो मन बे सुरे के संग न करियो कमाल कर देता माशाल्लाह माशाल्लाह। सुर से प्यार करियो और बेसुरे तो प्यार ना करियो। सर आज बेसुरे दी ते कोई सुर ही नहीं होंदी उन्दे दे नाल की प्यार करना है ओनू तो प्यार दा सुर ही नहीं पता। बेसुरे नाल संग ना करियो जी सर। हां के बेसुरे नाल संग ना करो सुर वाले ना प्यार करो। सही सही जेड़ा तुहाडा सर बहुत ही सोहना गाना सी दिल नू छू गया ते मेरा दिल करे बेसुरिया नू ते दुनिया तो ही काट दित्ता जाए। नहीं 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 इन्हां ने साडे नाल रहना साडी जान लेके रहनी जी। नहीं लेकिन यकीन करिए यकीन करो सर के सुर दा ते बेसुरे दा बड़ा ही चोली दामन दा साथ है। जदों तक बेसुरा नहीं होएगा ते सुर दा यकीन करो पता ही नहीं लगना कि सुर होंदी की शै जी। तुसी वेख रहे हो कि खान लियाकत साहब दे नाल उन्हां दे शागिर्द बैठे हुए ने। माशाल्लाह सर दा तालुक पंजाब दे शहर सरगोधा नाल है। पंजाबी उन्हां दी जिहड़ी ए बचपन दी वी लैंग्वेज है और उन्होंने इसी नूं अपने रूप विच धारण करके ते पंजाबी इस म्यूजिक बहुत ज़्यादा ना सिर्फ गाया है बल्कि उसका स्किल अपने स्टूडेंट्स नू भी यह दिता है पैगाम कि भाई पंजाबी नू फोक नू लाइक करते हैं। उन्हां नाल बैठे हुए ने उज़मा साहबा जेड़ा बिल्कुल लुक उन्हां दी आ रही है आपदा परवीन अली कार। माशाल्लाह वो सिख भी रहे ने पंजाबी भी मुख्तलिफ जबाना सरायकी भी सारा कुछ वो सिख रही ने। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਫਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਬਲੋਚ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸੁਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਦਾ ਪਰਵੀਨ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਲੰਦਰੀ ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਲਾਵੀਂ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਮੈਨੂੰ
भुल ना तू जावी मैं ते मर जावांगी ना दिल किते लामी में लिखी मैनू खत विच लिखी मैनू खत विच सारियां कहानियां लिखी मैनू खत विच सारियां कहानियां सोने दियां चूड़ियां ते चांदी दियां गानियां सोने दियां चूड़ियां ते चांदी दियां गानियां सांभ सांभ रखियां सांभ सांभ रखियां मैं तेरियां निशानियां सोने दियां चूड़ियां ते चांदी दियां गानियां सोने दियां चूड़ियां ते चांदी दियां बहुत खूब बहुत खूब दिल खुश हो गया है तुहाडी आवाज़ सुन के तुहाडा गाना सुन के मेरा तो मैं तो अपना कोई जवानी का वेला याद आ गया है मैंने तो लग रहा है कि मेरी दिया मेरी भी सो चांदी दिया गानियाँ पता नहीं कितने रह गई ने खैर अल्लाह ताला खैर वाफिया ताले मामलात अता फरमाए बहुत ही सोहनी तुहाडी आवाज़ है जिस तरह तुहाडा मुख सोहना है इंज तुहाडी आवाज़ भी सोहनी है तो अल्लाह ताला तुहानूं कामयाबी नसीब करे कोई होर अगर तुहाडा कोई कलाम है या कोई तुसी पहले भी मैनू याद है कि तुसी एक बारी गुनगुना रहे सो आपदा परवीन दा सोंग माई जड़दी गडोली भर दी ते तुसी थोड़ा सारा ओ मैनू सुना दियो तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी होएगी पीर पीरां हजरत मीरां पीर पीरां हजरत मीरां जामन जंजीरां मैं मुर्शद कामिल कर दी मैं मुर्शद हाजिर कर दी सोने यार दी गड़ोली कर दी सोने यार दी गड़ोली कर दी इक अल्लाह कोलों मैं डर दी इक मौला कोलों मैं डर दी सोने यार दी गड़ोली कर दी सोने यार दी गड़ोली हसन हुसैन अली दा जाया हसन हुसैन अली दा जाया भार उम्मत दा सिर ते चाया हसन हुसैन अली दा जाया बार उम्मत दा सिर ते चाया मैं डरदी रब रब कर दी मैं डरदी रब रब कर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी इक अल्लाह कोलों मैं डरदी इक मौला कोलों मैं डरदी सोने यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली पीर पीरां हजरत मीरां नाम लिया टुट जावन जंजीरां मैं मुर्शद कामिल कर दी मैं मुर्शद हाजिर कर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी इक अल्लाह कोलों मैं डर दी इक मौला कोलों मैं डर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी बहुत खूब माशाल्लाह बहुत सोहनी आवाज़ है तुहाडी जिवें तुहान अल्लाह साईं मुख सोहना दिता हुंज तुहाडी आवाज़ तरन्नुम सोहना दिता गल सिर्फ इतनी सारी है कि जिस वेले कोई भी गावे फनकार ओ हुंदा है कि जिस वेले ओ गावे तो एक वजद की कैफियत पूरे समा ते आ जावे
ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਂਜ ਹੋ ਜਾਵਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਅ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਜ਼ਰੇ ਬੱਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਰਾ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਊਦ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਹਮੇਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ। ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਤਬਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਬਲਾ ਵਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬਾਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵਜਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਤਬਲਾ। ਉਹ ਉਨਕੇ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਂ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਸਤਾਦ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਸੇ ਹਮ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਆ ਔਰ ਆਗੇ ਅਭੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਗੇ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਅਭੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਤਬਲਾ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਤੂੰ ਮਲੈ ਤੈਸਾ ਕਰੇ ਨੀ ਨੀ ਰਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਤੂੰ ਮਲੈ ਤੈਸਾ ਕਰੇ ਨੀ ਨੀ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਤੇਰੇ ਕਲੀਆਂ ਨੀ ਚੰਗੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੀ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਕਲੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਦਿਲ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਕੱਸੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਦਿਲ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਕੱਸੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣੋ ਸੁੰਝੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁੱਟਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁੱਟਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਝੱਲੇ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੀ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਕਲੀਆਂ, ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ
नी दंद तेरे कलिया। जे तू एक बारी हसे दिल आशकां दे खसे, जे तू एक बारी हसे दिल आशकां दे खसे, भुल जानो सुंजियां गलियां। मेरे कोल तो अल्फाज ही कह कोई नहीं रह गए कि तुहाडी की तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए वह घाटे। तो हुण प्रोग्राम का वेला भी साडा तेजी नाल अगे वध गया। तो खान साहब तुसी कोई पैगाम देना चाहते हो जिहड़े नए सिखते पे ने उन्होंने हवाले नाल, ते उज़मा के हवाले नाल, अपने दाऊद के हवाले नाल। जिस वेले तुसी गाना गाया ना उज़मा के जुल्फां छले, ते मैं ते दाऊद दे ही वाल उस दे उते पूरे उतरदे हुए लगे कि जुल्फां छले उत्थे ही हैं ते काले काले भी उत्थे ही हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला तुहानूं सारयां नूं बहुत तरक्की देवे, अल्लाह ताला अपने मकासद विच तुहानूं कामयाबी देवे जी। मेरी तो दुआ है कि जिन्हें भी इस काम नूं करन वाले ने अच्छी तरह अच्छा उस्ताद लभन, अच्छे उस्ताद को सीखन पुछन, तो ये काम फिर तो वज जाएगा। जे इस काम नूं पुछन गिछणगे नहीं तो काम खत्म अगे ही हो गया, तो हो अगों भी हो जाना है। ये लोग जिहड़े सरैकी लोग ने जिहड़े तुसीं इह प्रोग्राम लैके चले हो, इहदे विच पैगाम मैं देना चाहना कि तुसीं जदों गाओ बजाओ अपने उस्ताद कोल पुछ के गाओ। कुछ लोग ऐसे ने मीडिया तो अपना नैट तो लैके शुरू होते हैं, तो बड़ा अच्छा गाते ने, तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। मैं उन्हें चाहना कि बकायदगी ना सीखा जाए तो अच्छी गल है। खान लियाकत साहब तुसी बड़ी सोहनी गल की कि वह इंसान इंसान नहीं, वह मूर्ख है वाकई, जिसनों सुर नाल संगीत नाल मुहब्बत ने। बड़ी खुशी हुई तुसी इत्थे आए हो, अपना कीमती वक्त काट के नाल तुहाडे शागिर्द भी तुहाडे नाल आए ने, अपना घर बार छोड़ के सन वक्त दिता ने। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा इस आण दा, बहुत सन मेज़बानी दा, शर्फ बख्शण दा। गल एवे कि अज दे दौर च हर कोई सुर संगीत नूं मौसीकी नूं रूह दी गज़ा आखदा है, लेकिन क्लासिकल मौसीकी नूं सुनना कोई कोई पसंद करदा है। अज तुसी जिहड़ा भी ये सन संगीत सुनाया, चाहे वह पंजाबी सी, लेकिन सीखे तुसी क्लासिकल म्यूजिक हो, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत चंगा लग्या है। साडे पंजाब वसेब नूं, पंजाब रंग नूं तुसी वाकई रंग ला दिते ने। दिल जिथे खुश होया उत्थे जितना भी तुहाडा शुक्रिया अदा करिए वह कम है जी। सन इजाज़त दिओ, असी तुहाडे तों इजाज़त लैंदे हाँ अपने सोहणे प्रोग्राम पंजाब रंग तों। इन्हां दी तशरीफ आफरी दा बेहद शुक्रिया, फी अमानिल्लाह। नैक्सट प्रोग्राम विच तुहाडे नाल फिर मिलांगे नए मेहमान नाल, नए किसी मौजू नाल इंशाअल्लाह ताला। अपनी मेज़बान महविश बलोच नूं इजाज़त दिओ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।